हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जिसका शायद आप नाम भी पहली बार सुनेंगे। इस मुल्क में लोग जिंसी ख्वाहिश और अयाशियों के लिए एक खास किस्म के बाग में जाते हैं। इस मुल्क का नाम बहुत कमाल का है और इस मुल्क के लोग चार जुबानों में बात करते हैं। इस मुल्क में आप डॉलर करेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुल्क अपनी हसीन तरीन खूबसूरती की वजह से अलग ही पहचान रखता है। कैरिबियन समंदर में ये एक खूबसूरत तरीन जजीरा है, मगर यहाँ के लोग खुद को डच कहते हैं। ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है और हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इस मुल्क के लोग काफी अय्याश माने जाते हैं और यहाँ की लड़कियाँ तो पूरी तरह से अय्याश हैं। इस मुल्क की नाइट लाइफ भी निहायत शानदार है। तो आखिर ये मुल्क कौन सा है और इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बरे आजम जनूबी अमेरिका में बसा हुआ ये खूबसूरत जजीरा नुमा मुल्क जिसका नाम अरूबा है, इसका ऑफिशियल नेम द कंट्री ऑफ अरूबा है। अरूबा का कुल रकबा 180 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 221वें नंबर पर मौजूद है। अरूबा की कुल आबादी तकरीबन 1,20,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 193 नंबर पर शुमार किया जाता है। अरूबा बरे आजम अमेरिका में तो मौजूद है, मगर ये नीदरलैंड के कंट्रोल में आता है और इस पर सबसे पहले स्पेनिश का कब्जा हुआ करता था, मगर बाद में अरूबा डच हुकूमत के कब्जे में चला गया। इसीलिए अरूबा में बसने वाले लोग खुद को डच कहते हैं। मगर अरूबा ने नीदरलैंड से हकीकी आजादी 1 जनवरी 1986 में हासिल की थी, मगर आज भी अरूबा नीदरलैंड बादशाहत के जेरे असर है और अरूबा की हिफाजत की जिम्मेदारी भी नीदरलैंड आर्मी के पास है। अरूबा के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल की बात की जाए तो ओरंजस्टेड सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो कि अरूबा का सबसे बड़ा शहर भी है। अरूबा में कौमी और सरकारी जुबान डच है, मगर यहाँ पर पापियामेंटो और इंग्लिश जुबान भी बोली और समझी जाती है। अरूबा का सबसे बड़ा मजहब ईसाइत है और यहाँ पर अक्सरियत कैथोलिक फिरके के लोग आबाद हैं। इसके अलावा दीगर मजाहिब और किसी भी मजहब को ना मानने वाले अफराद भी यहाँ पर बसते हैं। अरूबा बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, फिर भी यहाँ के लोगों का लिविंग स्टाइल बहुत मॉडर्न है। अरूबा मुल्क का मौसम मिला जुला ही रहता है और यहाँ की कुदरती खूबसूरती के तो आप भी दीवाने हो जाएंगे। यहाँ की बीचेस की तो क्या ही बात है और यहाँ की सफाई सुथराई के आप भी फैन हो जाएंगे। अरूबा एक पुरसकून मुल्क है और हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट अरूबा में घूमने फिरने और अय्याशी करने के लिए आते हैं। अरूबा में कानून भी थोड़े सख्त हैं। बीच या समंदर में शराब की बोतलें या किसी भी किस्म की गंदगी फैलाने वाले को सीधा जेल में भेज दिया जाता है और अरूबा में जराइम तो ना होने के बराबर है। इसीलिए कैरेबियन मुमालिक में अरूबा को सबसे महफूज मुल्क कहा जाता है। अरूबा कुदरती वसाइल से भरा हुआ एक मुल्क है और यहाँ पर सबसे ज्यादा सोने यानी गोल्ड की माइन मौजूद है। अरूबा में जाने के बाद लोग इस गुमान में रहते हैं कि शायद वो जन्नत में चले गए हैं। यहाँ हर तरफ खूबसूरती और हसीन नजारे मौजूद हैं। अरूबा के लोग बहुत ही खामोश और नर्म नेचर के माने जाते हैं और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को खुश दिली से वेलकम भी करते हैं। यहाँ के लोग मौज मस्ती और अय्याशी करने में किसी से कम नहीं। म्यूजिक और डांस तो बहुत शौक से करते हैं। अरूबा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग शुमाली बीच पर जाकर चारों तरफ पत्थरों के ढेर लगा देते हैं और फिर इस जगह को अपनी ख्वाहिशात का बाग कहते हैं और फिर इस जगह में अपनी हर तरह की अय्याशी को एंजॉय करते हैं।
और जिंसी ताल्लुकात तो यहाँ पर आम सी बात है। अरूबा की लड़कियाँ भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और खूबसूरती में ये किसी से कम नहीं, और टूरिस्ट के साथ ये बहुत जल्द घुल मिल जाती है। अरूबा की मईशत का इन्हिसार पेट्रोलियम, टूरिज्म और ऑफशोर बैंकिंग पर मुनहसर है। अरूबा में सभी लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ पर डच एजुकेशन सिस्टम मौजूद है और अरूबा का लिटरेसी रेट 98% है। अरूबा में डच, कोलंबियन, वेनेजुएलियन, डोमिनिकन और हैटी नस्ल के लोग आबाद हैं। अरूबा के लोग गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं और सबसे ज्यादा ये सुअर का गोश्त खाते हैं। अरूबा की नाइट लाइफ भी बहुत शानदार है और शाम ढलते ही यहाँ पर नज़ारे बदल जाते हैं और खूबसूरत हसीनाओं के जलवे हर जगह देखने को मिल जाते हैं। वेल दोस्तों, अगर आप कुदरत के हसीन नज़ारों को करीब से देखना चाहते हैं तो अरूबा से बेहतर और कोई जगह नहीं है। तो लाइफ में कभी मौका मिले तो अरूबा की सैर को जरूर जाइएगा। अरूबा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को अरूबियन फ्लोरिन कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अरूबा? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।